अगस्त 4, 2021, ये है वो डेट जब फॉल गाइस पीसी एंड PS4 में रिलीज हुआ था। एंड इसी डेट से हम लोग इस गेम के मोबाइल वर्जन का भी वेट कर रहे हैं। एंड अब तो भाई लगभग पूरा साल ही हमने वेट कर लिया, बट अभी तक गेम का कुछ अता पता भी नहीं है। क्या यार इंसान, तू फिर बकवास करने आ गया? हमें पता है कि अगस्त 4 को फॉल गाइस की एनिवर्सरी है और तू यही बोलेगा कि वेट करो अगस्त 4 तक। यार हमें नहीं देखना ये सब। और चुप महान आत्माओं, तुम्हें तो बस ये छोटी सी चीज पता है ना, लेकिन तुम्हें क्या ये 5 reasons पता है? नहीं ना, बट आई गारंटी ये 5 reasons जान के तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों फॉल गाइस मोबाइल के रिलीज होने के चांसेस अगस्त 4 को इतने ज्यादा हैं। एंड आज के इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, 5 reasons why फॉल गाइस मोबाइल विल बी रिलीज्ड ऑन अगस्त 4। एंड हाँ, 5th reason आज तक यूट्यूब में तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, तो उसे भूल कर भी मिस मत करना। तो चलो बात करते हैं reason number 1 की। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बहुत पहले अपनी एक वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया था कि एपिक गेम्स ने मीडियाटोनिक को हायर कर लिया है, मतलब कि कुछ पैसे देके मीडियाटोनिक को खरीद लिया है। एंड ये भी हो सकता है कि शायद अब फॉल गाइस मोबाइल को एपिक गेम्स वाले लॉन्च करें अगस्त 4 को। एंड हाँ, अगर एपिक गेम्स फॉल गाइस मोबाइल को लॉन्च करती है तो फॉल गाइस मोबाइल फिर प्ले स्टोर में रिलीज नहीं होगा, वो रिलीज होगा एपिक गेम्स स्टोर में। तो अभी कुछ ही दिन पहले वैलोरेंट गेम की एनिवर्सरी थी एंड उसी दिन राइट गेम्स वालों ने भी वैलोरेंट मोबाइल की अनाउंसमेंट की थी, तो हो सकता है कि फॉल गाइस वाले भी मोबाइल वर्जन रिलीज कर दे या अनाउंसमेंट कर दे। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि गेम की अनाउंसमेंट होगी या बीटा रिलीज होगा, तो लेट्स सी। तो अभी कुछ ही दिन पहले एक लीक आई थी ये वाली, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो जो ये बिग में जो बी का यूज किया गया है उसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बीटा होता है, तो हो सकता है कि शायद इसका बीटा वर्जन रिलीज होने वाला हो। एंड अगस्त 4 ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एंड ऑफ जून रिलीज हो जाए या जुलाई में रिलीज हो जाए, बट अभी तो ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है, बट लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। तो कुछ ही टाइम पहले ये एक ट्वीट भी आई थी जो कि ऑफिशियली डिवॉल्वर डिजिटल ने ही ट्वीट की थी। एंड हम लोग सोच रहे थे कि उन दो गेम्स की अनाउंसमेंट शायद वो E3 इवेंट या समर गेम फेस्ट में करे, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड ऐसा तो है नहीं कि अनाउंसमेंट नहीं हुई तो गेम भी नहीं आएगी, सो हो सकता है कि उन दो गेम्स में से एक फॉल गाइस मोबाइल है एंड अगस्त 4 को कोई उसका बीटा भी रिलीज हो जाए। तो पिछले साल ही अगस्त 24 को बिलीबिली ने फॉल गाइस के राइट्स मोबाइल वर्जन के लिए परचेस कर लिए थे एंड कुछ ही दिन बाद उन लोगों ने इसकी प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू टैप टैप में कर दी थी। एंड यहाँ पे डेवलपर बिलीबिली दिखाता था, बट अभी 8 जून को इसे अपडेट किया गया है एंड यहाँ पे डेवलपर के जगह अब डिवॉल्वर डिजिटल शो हो रहा है। तो इसे देख के तो भाई अब बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि गेम का कुछ ना कुछ तो अगस्त 4 या उसके पहले आने वाला है। अब बात आती है कि भाई अगस्त में तो अभी पूरे 2 महीने हैं, तब तक क्या करोगे? तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, इसमें मैंने मल्टीप्लेयर फैनमेट के बारे में बताया है एंड राइट वाली वीडियो में मैंने एकदम एग्जैक्ट फॉल गाइस की फैनमेट के बारे में बताया है, लेकिन ये मल्टीप्लेयर नहीं है।